रहते हैं, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और आज सुबह उठी तो बच्चों की फरमाइश थी कि मम्मी इडली बनाओ। मैंने तो चावल वावल भिगाए नहीं, लेकिन फिर मैंने बोला चलो ठीक है, झटपट रवा इडली बनाते हैं और आप लोगों के साथ में रेसिपी शेयर करते हैं। बने रहिए ब्लॉग में। ये देखिए दोस्तों, हमने 1.5 किलो रवा लिया था, इसमें डाला नमक थोड़ा सा और दही डाल देंगे। दही से क्या है, बहुत नरम हो जाती है इडली। और ये पन्नी में पानी था, उसको भी हम मतलब पन्नी में जो दही थी डाल के, पानी डाल के हमने वो कर लिया है। और ये देखिए अच्छे से मिक्स कर लेंगे, इसमें गुलथी ना रहे, नहीं तो फिर इडली बनने में अच्छा नहीं लगता। और ये देखिए आप लोग, इसको मिक्स करके रख देंगे और 10 से 15 मिनट इसको हमने भिगा के रखा था, ज़्यादा देर नहीं रखा था। और अच्छे से मिला लेंगे, क्योंकि गुलथी रहती है ना तो फिर अच्छा बनता नहीं है, मतलब कैसा है कि वो रहता। ये देखो गुलथी हमने हाथ से ही फोड़ दिया था, और मेरी बेटी का पाँव दिख रहा था, वो आई थी अभी। और ये देखिए आप लोग कैसा अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और इसमें पानी और डाल देंगे थोड़ा सा, मतलब ज़्यादा पतला ना ज़्यादा गाढ़ा, मीडियम में रहना चाहिए इसका घोल। और फटाफट बनती है रवा इडली। और मैंने तो पहले भी 2-3 बार ट्राई किया, लेकिन रेसिपी यार लोगों के साथ आज में ही शेयर कर रही मैं। और फिर इसमें देखिए मिला लेंगे अच्छे से, और ये देखिए फेंट देंगे। फेंटने से कैसे इडली बहुत फूली फूली बढ़िया अच्छे बनती है। और इसमें डाल दिया हमने 3 पुड़िया इनो डाला था, क्योंकि 1.5 किलो हमने रवा लिया था। और अच्छे से फेंट देंगे, देखो कितना अच्छा मतलब फूल गया है एकदम, हमारा बैटर एकदम स्पंची हो गया था। और ये देखिए दाल, हमने दाल के लिए कद्दू, टमाटर, हरी मिर्ची और तुअर दाल डाल के रख दिया है। अब इसको सीटी लगाएंगे, 2 सीटी लगाए थे। और पानी हमने बाजू में रख दिया था, मतलब उसमें भगोने में कि गर्म हो जाए, क्योंकि दाल में हमने पानी कम डाला था, नहीं पानी ज़्यादा डाल दो तो क्या उबलने लगती हैं, मतलब बाहर निकलती है। अब इसमें देखा हमने मसाले डाल दिए, धनिया, मिर्ची, हल्दी पाउडर, और इसमें डाला सांभर मसाला। ये देखिए सांभर मसाला डाल देंगे, हमने 1.5 पुड़िया डाला था 10-10 रुपए वाली। और इसमें देखिए अच्छे से घोट देंगे, ये देखिए इसको क्या मतलब जो कद्दू वद्दू है ना अच्छे से मिक्स हो जाता है, नहीं तो ऐसे मतलब बड़े बड़े पीस पड़े रहते हैं। और इसमें पानी डाल दिया, इसमें हल्दी और मिर्ची पाउडर और डाल दिया था, कम था। अब इसमें डालेंगे इमली का पानी, ये देखिए हमने इमली का पानी डाल दिया, ये हो गया इमली का पानी। और ये देखिए अब इसमें तड़का लगेगा, इसमें हमने डाल दिया तेल और राई डालेंगे। सांभर दाल में जीरे का तड़का नहीं लगता, सिर्फ राई और मेथी का, थोड़ा सा मेथी मतलब 2-4 दाना डालना पड़ता, ज़्यादा नहीं। राई डाल दिया था, हींग डालेंगे इसमें, ये देखिए आप लोग डालते हैं हींग इसमें, ये हींग डाला, राई डाल दिया था, और ये कड़ी पत्ता डाल दिया, और ये दाल डाल दिया था हमने, ये देखिए दाल डाल के, और सूखी मिर्ची भूल गई थी तो मैंने ऊपर से डाल दी थी। और ये देखिए नमक डाल दिया स्वादानुसार, और देखने में बढ़िया अच्छी लग रही है हमारी दाल। ये देखिए आप लोग उबाली आ रही है, इसमें पानी डाला था ना, मतलब उबाला ही हुआ पानी डाला था, लेकिन फिर भी थोड़ा सा मतलब पका लेते तो स्वाद अच्छा हो जा। और ये देखिए हमारी सांभर दाल तैयार हो गई है। अब ये देखिए अब इडली हम रखेंगे, इडली के सांचे में भर देंगे वो घोल जो बनाया था हमने, ये देखिए आप लोग। और देखिए दोस्तों, अगर आपके पास में सांचा नहीं रहता इडली का, तो आप कटोरी में भी भर भर के और उसमें कढ़ाई में बना सकते हैं। एक आध बार मैं आपको वो भी दिखाऊंगी कैसे बनाना पड़ता। और अभी तो मेरे पास में 2 तरह के सांचे हैं, मतलब एक ये स्टील का है और एक मेरे पास में जर्मन का सांचा है। वो बहुत बड़ा है, इसलिए मतलब हमारी छोटी फैमिली है तो हमको उतना बड़ा होना नहीं। वो कभी कभार जैसे मेरी ननद आई तो फिर बनाते हम उसमें, और उनके भी 2 बच्चे हैं, मतलब बहुत परिवार बढ़ जाता तब बनाते, नहीं तो हमारा इसी में हो जाता है। और ये देखिए अब इसको अच्छे से मतलब उन गैस जला के हम इसको चढ़ा देंगे, और ज़्यादा टाइम नहीं लगता ये कुकर, मतलब ये देखिए आप लोग पक भी गई आपसे बातें करते करते, 15-20 मिनट में, 15-20 मिनट नहीं 10-15 मिनट में अच्छे से पक जाती है। और एक बार मतलब ढक्कन बंद कर दो तो अपने आप अच्छे से हो जाती, ज़्यादा इसमें वो नहीं करना पड़ता। ये देखिए हमारी इडली पक के तैयार हो गई, और ये कितना गर्म रहता है, ये निकाल देंगे हम इडली। और हमारी इडली इतनी सॉफ्ट और मुलायम बनी थी कि कुछ पूछो ही मत। ये देखिए हमारी इडली बहुत नरम बनी थी और स्पंजी भी बनी थी मतलब। और ये देखिए हम निकाल लेंगे पूरी इडली, और जब ठंडी हो जाए तब निकालो तो अच्छे से मतलब निकलती है। लेकिन मेरे पति देव को जाना था काम पे, तो हमको जल्दी थी इसलिए हमने जल्दी जल्दी निकाली, थोड़े से मतलब कैसे टूटने लगते जल्दी निकालो, कैसे ठंडा होने के बाद अच्छे से निकलती। और ये देखिए आप लोग इतनी इडली तैयार हो गई है हमारी बनके,
और ये देखिए हमारे पति देव खा रहे हैं, और हम वीडियो में नहीं आते तो हमने चुपचाप से वीडियो बनाई थी। दोस्तों बच्चों की कभी कभी ऐसी मतलब फरमाइश हो जाती है कि तुरंत करना पड़ता है ऐसा बनाने के लिए रेसिपी, और बनाया भी है, ठीक ठाक से बन गई है, जल्दी के मतलब जल्दी जल्दी झटपट बनाया है। और आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना कैसे ही बनी है, और आप लोग भी ट्राई करना। बच्चों के मूड का कोई भरोसा नहीं रहता, कभी भी मांगने लग मतलब कुछ भी बना दो इनको, जल्दी जल्दी से बन जाना चाहिए। और रेसिपी कैसी लगी आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे, बाय।